हाय फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं आज मेरे फार्म आया हूँ, पोल्ट्री फार्म, जहाँ पे मेरे द्वारा एक बगीचा बनाया गया है जिसमें मैं काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगाया हूँ। तो आइए दोस्तों, दिखाता हूँ मैं अपने गार्डन को, जहाँ पे मैंने कौन कौन से पेड़ पौधे लगाए और इसमें काफ़ी पौधे में फल भी आने लगे दोस्तों। चलो दोस्तों, तो दिखाते हैं आपको मेरा गार्डन। दोस्तों ब्लॉग बनाते बनाते देखिए बारिश भी शुरू हो गई है, गर्मी काफ़ी है दोस्तों। सबसे पहले तो ये हमें चीकू का झाड़ है, जिसको इनको दोस्तों जहाँ पे फल भी लगे हैं, काफ़ी सारे फल लगे हैं अभी। क्या ये पहली बार फल लगा है? इससे पहले एक दो हुआ था, बट वो अभी नहीं है। तो अभी फिर से ये देखो दोस्तों, नए फल लगे लगे हैं दोस्तों। ये इस पौधे का फल काफ़ी बड़ा साइज का होता है, ये चीकू का पौधा दोस्तों। तो इसके आगे दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये है नींबू का, सेंट वाला, सेंटेड नींबू। ये भी दोस्तों अभी तक इसका फल फूल कुछ भी नहीं आया दोस्तों। और दोस्तों ये है, इसको क्या बोलते हैं, वाटर एप्पल दोस्तों। यहीं पर मेरे लीची का भी था, लेकिन वो एक 3 साल बाद लीची लगा है, और उसमें क्या बारिश के कारण उसके ऊपर ये जो पपीता का झाड़ है ये गिर गया था दोस्तों, जिसके चलते वो पेड़ पूरी तरह से टूट चुका है दोस्तों। इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है वाटर एप्पल। ये होता कैसा, चलो दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें लगा भी है, अभी देख लेते हैं। ये है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये है वाटर एप्पल, जो ठीक है, मीठा है दोस्तों। दोस्तों बारिश चालू हो गई है, ये धान का पत्ता रोपा के लिए डाला गया है। और दोस्तों अभी बारिश चालू हो गए, तो मैं बारिश से बचने के लिए, ये मेरा पोल्ट्री फार्म है जो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है, खाली है, तो अभी पोल्ट्री फार्म का सहारा लेते हैं। जैसे कि दोस्तों बारिश ख़त्म हो चुकी है, ये है दोस्तों तेज पत्ती, ये काफ़ी बड़ा झाड़ बन चुका है। ये समथिंग 4-5 साल का झाड़ है ये तेज पत्ती, जो अपन मसाले में यूज़ करते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना पत्ता है, पूरा पत्ता हरा भरा। और दोस्तों ये देखिए पपीता लगा हुआ है, 2 साल पुराना पपीते का झाड़ दोस्तों। ये आम का भी लगा है, लेकिन ये कौन सा ब्रांड है पता नहीं दोस्तों, ये कालम वाला भी नहीं है। फिर भी ये 2 साल में ही इस पर फूल लगे थे, लेकिन आम आया नहीं दोस्तों। और ये बड़ा ऊपर पपीते की झाड़ी, इसमें भी पपीता लगा है बट छोटा छोटा। ये है दोस्तों अशोक का, उसके बाद दोस्तों वो है क्या बोलते हैं, बोकुल फूल, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों काफ़ी सारे हैं, और भी दिखाता हूँ आगे, संतरा का भी है। जो आम का झाड़ है ये लगातार 3 साल से आम दे रहे हैं दोस्तों, खाई यही है। ये है एक गन्ना है बीच में, एक वो ही है। और दोस्तों वो जो झाड़ है क्या है, क्या बोलते हैं उसका नाम पता नहीं दोस्तों, बंगला में तो नोल बोलते हैं। चलिए आइए दिखाते हैं, उसमें भी फल लगाए दोस्तों।
अम्बाड़ा, अम्बाड़ा बोलते हैं इसको, ये भी एक साल पुराना है। और ये है कठहल, और दोस्तों ये है संतरा, जो लगे भी होंगे। चले दोस्तों, ये काफ़ी जंगल है, ये भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है संतरा लगा है दोस्तों, देख लीजिए संतरा लगा है। ये दूसरी बार है, पिछले साल भी हुआ था, बस ऐसे ही हुआ था। खट्टा है काफ़ी दोस्तों। वो केला का भी लगा है दोस्तों, केला का जारो चाहिए, जितने मेरे बाउंड्री है चारों तरफ आम का लगा है छोटे छोटे। यहीं पे दोस्तों एक था दालचीनी का था वो, बट गर्मी में पानी नहीं दे पाया, केयर नहीं कर पाया, जिसके चलते। फ्रेंड आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। बाय।